हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम कुछ इस प्रकार बताया गया है। अनंत की उत्पत्ति हुई, अनंत से महत यानी ईश्वर उत्पन्न हुए, ईश्वर से अंधकार जन्मा, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से प्राणी उत्पन्न हुए। उसे इंसान की समझ और ज्ञान के लिए वेदों का निर्माण हुआ। भगवान जिसके बारे में हम पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर सकते, अपितु हमारे वेदों में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो हमें परम सत्य जाने में मदद करती हैं। आज विज्ञान भी ये बोलता है कि हमारे ब्रह्मांड में कई आयाम यानी डायमेंशंस हैं, और आजकल कई सारी फिल्मों में टाइम ट्रेवल के बारे में बात की जाती है। तो विज्ञान के अनुसार समय भी एक आयाम है यानी कि डायमेंशन है। इसी के साथ 10 आयाम का सिद्धांत भी सामने लाया गया है, लेकिन हमारे वेदों के अनुसार 64 आयामों के बारे में बताया गया है, लेकिन हमारे वेदों में 64 आयामों का उल्लेख मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे लोगों के बारे में तो हमें पता है, तो ये आयाम क्या है? तो आज इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित आयाम के विषय में बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। किंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें हरिओम। तो पहले समझते हैं कि आयाम आखिर है क्या। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में हर चीज का एक निश्चित आकार, माप, रूप और रंग है। इस कुदरत में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, जैसे कि हर एक फूल का अपना रंग, रूपरेखा और आकार होता है। इसलिए अभी तक प्रकृति में मौजूद लगभग हर एक चीज का अच्छे से माप तोल कर लिया गया है, जिस कारण से हम एक जैसी बहुत सी चीजें बना सकते हैं जिनका आकार, रूप और रंग भी एक जैसा हो। कोई भी मकान माप कर बनाया जा सकता है। कोई निश्चित रूपरेखा होने के कारण मकान बनाने से पहले उसका नक्शा एक कागज पर उतार सकते हैं। इससे हम पहले ही पता कर सकते हैं कि मकान बनने के बाद कैसा लगेगा, और ये सब गणित के कारण ही संभव हो पाया है। हमारा संसार गणित के ताने बाने से बना है। इसी प्रकार गणित की सहायता से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई ग्रह किसी तारे से कितनी दूरी पर है। इस तरह से हम गणित की सहायता से घर बैठे हजारों लाखों मील दूर की किसी भी चीज की दूरी, स्थिति और बहुत सी बातों का पता लगा सकते हैं। हम इंसानों की दुनिया 3 आयामों से बनी है और इसे हम 3D कहते हैं। इसीलिए हम 3 आयामों को तो जानते हैं, पर गणित की सहायता से हमने इसके आगे के आयामों का भी पता लगा लिया है। जैसे हर एक चीज को मापने के लिए एक मापक इकाई होती है, वैसे ही ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं को हम आयामों में मापते हैं और इसे ही आयाम कहते हैं। और नास्तिक लोग या कोई भी व्यक्ति इन आयामों पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये तो विज्ञान और गणित ने साबित कर दिया है कि आयाम होते हैं। तो सोचिए हमारे वेद कितने शक्तिशाली और ज्ञान का भंडार है, क्योंकि इनमें इन सभी ब्रह्मांड के आयामों के बारे में पहले से ही वर्णन है। वैसे तो इस ब्रह्मांड में शास्त्रों के अनुसार 64 आयाम हैं, पर अभी तक हमारा विज्ञान गणित के द्वारा सिर्फ कुछ आयामों का ही पता लगा पाया है। तो चलिए जानते हैं कि ये आयाम कौन से हैं। 0 आयाम, ये आयाम एक बिंदु जैसा होता है। ये एक ऐसा आयाम है जिसमें हम ना तो आगे पीछे जा सकते हैं, ना ही दाएं बाएं और ना ही ऊपर नीचे। इस आयाम का व्यक्ति सिर्फ एक जगह पर ही स्थित रह सकता है। 1 आयाम, इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे तो जा सकता है, पर दाएं बाएं या ऊपर नीचे नहीं जा सकता। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 बिंदु हों और हम एक सीधी रेखा में एक बिंदु से सिर्फ दूसरे बिंदु की तरफ ही जा सकते हैं और दूसरे से पहले की तरफ ही आ सकते हैं। 2 आयाम, इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकता है, किंतु ऊपर नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पर 4 बिंदु होते हैं जो एक दूसरे को काटती रेखा के छोर पर होते हैं, जहाँ पर हम दाएं और बाएं भी जा सकते हैं। 3 आयाम, ये वह आयाम है जहाँ हम मनुष्य रहते हैं। इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे जा सकता है। इस आयाम में रेखा आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे चारों तरफ होने के कारण हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। 4 आयाम, चौथा आयाम समय को माना गया है। जैसे कि हम समय में सिर्फ आगे अपने भविष्य की ओर जा सकते हैं, पर पीछे की तरफ भूतकाल में नहीं जा सकते, परंतु इस आयाम का व्यक्ति समय में आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकता है। मतलब इस आयाम में हम अपने भूतकाल में भी जा सकते हैं। 5 आयाम, 5 आयाम भी समय के बारे में ही है और इसे मल्टीपल यूनिवर्स भी कहते हैं। इस आयाम का व्यक्ति समय में आगे और पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकता है। अब आगे और पीछे जाने का तो समझ आता है,
पर दाएं और बाएं जाना क्या है। जैसे अगर हम एक ही समय पर डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बनना चाहते हो तो हम समय में दाएं जाकर अपने आप को डॉक्टर बना देख सकते हैं और बाएं जाकर अपने आप को इंजीनियर बना देख सकते हैं। इसे ही भविष्य में दाएं और बाएं जाना कहते हैं। ब्रह्मा जी पांचवें आयाम में निवास करते हैं और इसको ब्रह्म आयाम भी कहा गया है। इस ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा है, हर ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड बनता है। बिग बैंग, जिसको हम तीन आयामी दुनिया की उत्पत्ति का जरिया मानते हैं, वो इसी पांचवें आयाम के ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यहाँ का समय भी अलग है क्योंकि ये हमारे चारों आयाम से बाहर है। छठवा आयाम भी समय के बारे में ही है। इस आयाम का व्यक्ति समय में आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कहीं पर भी किसी भी दिशा में जा सकता है। वह एक ही समय पर डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, वैज्ञानिक और सब कुछ हो सकता है। इन सभी चीजों से संसार का संचालन होता है। ये सुनकर आपको इन विशेषताओं के साथ कौन से भगवान याद आते हैं? बस एक ही नाम आता है जुबान पर, हरि का। तो इसीलिए इस आयाम को विष्णु जी का निवास स्थान माना गया है। विष्णु जी संसार के संचालक हैं और छठे आयाम से ही पूरे ब्रह्मांड को ड्राइव यानी कि संचालित किया जाता है। सातवां आयाम में विभिन्न ब्रह्मांड की बात की गई है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे विशाल ब्रह्मांड जैसा एक और ब्रह्मांड है जहाँ हमारा एक और प्रतिरूप भी होता है जो समय में या तो हमसे आगे होगा या पीछे होगा। मान लीजिए कि हमें अपने ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का कोई रास्ता मिल गया है तो इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति एक सीधी रेखा में दूसरे ब्रह्मांड में जाकर अपने ब्रह्मांड में वापस भी आ सकता है। मतलब वह आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकता है, पर यहाँ पर वह दाएं बाएं स्थित ब्रह्मांड में नहीं जा सकता। इसे सातवां आयाम कहते हैं। सातवें आयाम को सत्य आयाम भी कहा जाता है। योगी जो गहरी साधना करते हैं वो इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में वो अनंत ज्ञान है जिसको पाके मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इसी आयाम का ज्ञान पाने वाला महाज्ञानी होता है जिसके चक्षु चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। आठवें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांड की बात कही गई है। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति आगे और पीछे के ब्रह्मांड के साथ साथ दाएं बाएं स्थित ब्रह्मांड में भी जा सकता है। वह अपने किसी भी प्रतिरूप से मिल सकता है। आठवें आयाम को कैलाश भी कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है। उनका कार्य इन सातों आयाम का संतुलन बनाए रखना है। हर सिद्ध पुरुष सत्य आयाम का ज्ञान लेकर भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये ही मोक्ष का रास्ता है। नौवां आयाम। आठवें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांड की बात की गई है। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कहीं भी स्थित ब्रह्मांड में जा सकता है और इस आयाम को वैकुंठ भी कहा जाता है। इस आयाम में परमात्मा में समा जाना होता है। हर आयाम इसी से बना हुआ है और यही आयाम का मुख्य स्रोत है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद हर आत्मा शून्य होकर इसी आयाम में परमात्मा में लीन हो जाती है। दसवां आयाम। दसवें आयाम को भगवान का आयाम कहा गया है। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी किसी भी रूप में जा सकता है। उस पर किसी भी ब्रह्मांड का कोई भी नियम लागू नहीं होता बल्कि उसके अपने खुद के नियमों अनुसार जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर पाएगा। इसमें बहुत सी प्रजातियां बिना एक दूसरे के होने को महसूस करे एक स्थान पर इकट्ठा रह सकती हैं। इसलिए इस आयाम को अनंत आयाम भी बोलते हैं। हाँ, पर यहाँ परमात्मा निवास करते हैं। सनातन धर्म में इनको ही निराकार, अनंत, सदाशिव और परम कहा गया है। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने इसी परम रूप के दर्शन दिए थे। इनको ही सत्य विष्णु कहा जाता है। इनका ही अंश हर आयाम में अपना अपना कार्य कर रहा है। यही त्रिदेवों की शक्ति का मुख्य स्रोत हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके ही रूप हैं। इस तरह शास्त्रों और विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार और भी कई प्रकार के आयाम होते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में पहले ही 64 आयामों के बारे में बात कही गई है, पर अभी तक हमारा विज्ञान कुछ ही आयामों का अंदाजा लगा पाया है। जैसे कि विज्ञान के श्रृंग सिद्धांत के अनुसार कुल 11 आयाम बताए गए हैं, पर हम अभी तक 3 आयामों में रहने के कारण 3 आयामों को ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 10 आयामों के बारे में जाना। इन्हीं में किसी न किसी रूप में 64 आयाम बसे हुए हैं। यही वो आयाम है जो अनंत है और अनंत से ही ईश्वर है। तो हमारे साथ एक बार पुनः बोलें हरिओम। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।